आज 20 नवंबर सन 1984 हम हिंदी रंगमंच और फिल्म के सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री अमरीश पुरी से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। अमरीश, नाट्य शोध संस्थान के काम के बारे में तुमको थोड़ी सी जानकारी है, पिछली बार चर्चा भी हुई थी। ये बताइए कि इसका जो स्पीकर है, वो माइक, हाँ, तो आपकी तरफ है? अभी है मेरी ओर, अभी मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ तब आपकी ओर माइक घुमा दूँगा। तो बार बार घुमाना पड़ेगा? नहीं, बार बार नहीं घुमाना पड़ेगा, उसके बाद जो हम बोलेंगे वो पीछे से भी पकड़ लेगा, अभी भी पकड़ सकता है। तो संस्थान में काम हम लोग ये कर रहे हैं कि भारतीय रंगमंच से संबंधित जो लोग रहे हुए हैं, नाट्यकार, निर्देशक, अभिनेता, उनके बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत कम होता है, नाट्यकार की कृति तो फिर भी रह जाती है, आप हमेशा उसको पढ़ करके उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, मगर निर्देशक, अभिनेता और बाकी के जो टेक्नीशियंस हैं जो काम करते हैं, उनके बारे में वो केवल दिखते हैं और फोटोग्राफ्स में थोड़े बहुत कुछ क्षण सुरक्षित रह जाते हैं, बाकी की बातें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों से बातचीत रिकॉर्ड करें ताकि उनका रिकॉर्ड रह जाए। फोटोग्राफ्स वगैरह तो एकत्र कर ही रहे हैं और कुछ कई बार थोड़ा सा अंश कोई पढ़ देता है तो उनके अभिनय का भी एक छोटा सा नमूना अपने पास रह जाता है। और हम लोग चाहेंगे कि आगे आने वाले वर्षों में इस सामग्री का उपयोग हम लोग करें, किताबें कुछ निकलें ताकि जानकारी और लोगों को भी प्राप्त हो सके। इस दृष्टि से बंगला रंगमंच के काफ़ी लोगों का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, हिंदी में से भी कई लोगों का, दिल्ली के कई लोगों का किया है। अच्छा, आपके इस संस्थान में बंगला का भी काफ़ी इंक्लूडेड है इसमें? ये पूरे भारतीय भाषाओं का, हम माने भारतीय रंगमंच के बारे में जानकारी करना चाह रहे हैं, इसका संबंध केवल हिंदी से नहीं है। लेकिन अधिकतर तो आपने इसका भी हिंदी और बंगाली का ही किया होगा? मराठी का, हिंदी, बंगला और मराठी, इन तीन भाषाओं को बेसिकली अभी तो लिया है। मगर उसमें ऐसा करते हैं कि मान लो जब जो मौका मिल गया, जैसे कैलाश पांड्या आए थे कलकत्ता तो एक रिकॉर्डिंग उनसे भी कर ली, गिरीश कारनाड आए थे तो एक दिन इंटरव्यू गिरीश से भी रिकॉर्ड कर लिया। तो सब भाषाओं को इसलिए नहीं शुरू किया कि सबको हैंडल करना बड़ा कठिन हो जाएगा, मगर हमको ये लग रहा है कि 85 के अंत तक बंगला रंगमंच काफ़ी दूर तक कवर हो जाएगा, या हम ये कह सकेंगे कि हर बंगला के काफ़ी महत्वपूर्ण जितने लोग हैं उनका रिकॉर्डिंग हो जाएगा। करीब 25-1 लोगों की तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं और बाकी के 20-25 लोग जो कुछ पुरानी पीढ़ी के, बाकी के नई पीढ़ी के महत्वपूर्ण काम जो कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा। और थोड़ा काम हिंदी का और थोड़ा काम मराठी का भी इस बीच में हो जाएगा। हिंदी में देखो ऐसा है कि दिल्ली में शीला भाटिया से बातचीत हम कर चुके हैं, हबीब तनवीर से बातचीत कर चुके हैं, राजेंद्र नाथ से कर चुके हैं, राजेंद्र पॉल से एस क्रिटिक कर चुके हैं। दिल्ली में मनोहर सिंह वगैरह से अभी नहीं हुई है, मगर वो एक थोड़ा सा ज़रा सा बात का ग्रुप आ रहा है, करेंगे उन लोगों से। तो 85 में दिल्ली में हम समझते हैं कि 10-1 लोगों से इंटरव्यू, यदि 10-12 लोगों से इंटरव्यू कर लेंगे तो दिल्ली का रंगमंच कुछ दूर तक कवर हो जाएगा। निसार हैं, अमाल हैं, बहुत ज़्यादा लोग दिल्ली में वैसे हैं नहीं अभी फिलहाल। हाँ, जो सीरियस थिएटर है उसके तो कम ही है। कम ही है। इसके बाद कारंत से कर चुके हैं इंटरव्यू रिकॉर्ड। इसके बाद आप हिंदी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कहाँ पाएंगे, थोड़ा लखनऊ में राज बिसारियाँ हैं, एक आध लोग जयपुर में मिल जाएंगे, और यहाँ 4-5 लोग, 6 लोगों से कर लेंगे तो यहाँ का एक तरह से कवर हो जाएगा।
भोपाल में भी रहेंगे? भोपाल में मैंने बीवी कारंत के अलावा थिएटर के लिए और कौन मिलेगा भोपाल में, तुम उनको बताओ। तो इस तरह से करके हमको लगता है कि 85 में, 85 के अंत तक हिंदी और बंगला तो काफ़ी दूर तक हो जाएंगे, और मराठी के भी हम समझते हैं कि इस बीच में 10-12 लोगों के इंटरव्यू तो हो ही जाएंगे, तो उसके बाद फिर और भाषाओं को लेना शुरू करेंगे। मगर कोई ऐसा नहीं, इस बीच में जो भी अवसर यदि मिलेगा और लोगों की रिकॉर्डिंग का तो ज़रूर करते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ये चाहेंगे, मैंने ऑटोबायोग्राफिकल थोड़ा सा, कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ, कैसे थिएटर की ओर आप आए, क्यों आए, क्या परिस्थितियाँ थीं, क्योंकि निश्चित रूप से हिंदी क्षेत्र में बंगला और मराठी में तो फिर भी परंपरा लंबी रही है, लोग जुड़ते रहे हैं। हिंदी क्षेत्र वालों को थिएटर में जुड़ने के लिए आज से 25 साल 30 साल पहले थोड़ा सा झगड़ा भी करना पड़ा है, रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी रही, हमें पता नहीं कि तुमको क्या कैसा वातावरण मिला, तो हम शुरुआत वहाँ से करें। और आप आराम से इत्मीनान से बात करो, जो कुछ भी आप कहना चाहते हो अपने बारे में, अपने आराम उसके बाद करूँगा काम के बारे मैं में चाहता हूँ कि बीच में जहाँ पे आपको कुछ पूछना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम पूछते चलेंगे, हम तो हम कॉमा फुल स्टॉप लगाते चलेंगे, पैराग्राफ बदलते चलेंगे, बाकायदा रोक सकते हैं। तो अपने जन्म से शुरू करता हूँ जी। मेरा जन्म पंजाब में, खासकर जगह आपको बता दूँ, जलंधर के पास एक नवा शहर, अच्छा जगह विलेज है, विलेज तो नहीं अब तो टाउन है, वहाँ मेरे नानी ने वहीं की थी, तो मेरा वहाँ जन्म हुआ 1932 में। अच्छा। और जन्म के बाद ज़्यादा समय हम दिल्ली शिमले में रहे, क्योंकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अच्छा। और उन दिनों ब्रिटिश राज में ऑफिसेस जो होते थे तो ट्रांसफ़र होते थे, गर्मियों में शिमला चला जाता, गर्मियों में शिमले, सर्दियों में दिल्ली। वो बचपन का बहुत ही हमारे छोटे होते का समय था। 1940 में हमारे पिताजी रिटायर हो गए। अच्छा। उसके बाद 42 तक हम दिल्ली में रहे, लेकिन 42 में फिर शिमले शिफ्ट हो गए। अच्छा। तो शिमले कुछ पिताजी काम करते रहे, हम पढ़ते रहे। पिताजी तो कहा कि रिटायर कर गए, कुछ और काम कुछ और काम कर। अच्छा। रिटायरमेंट के बाद काम करना ज़रूरी था बच्चों की परवरिश के लिए, आमदनी बहुत ज़रूरी थी। तो तुम भाई बहनों में छोटे थे सबसे? नहीं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं चमनपुरी, उनके बाद मदनपुरी। अच्छा। उसके बाद हमारी एक बहन है कांता। अच्छा। शादीशुदा हैं, वो भी दिल्ली में है, मुझसे बड़ी हैं, मतलब उनके बाद मैं, और मुझसे छोटा एक भाई है हरीश। अच्छा। वो आजकल पूना में है। आवाज का लेवल वैसे ठीक है? हाँ। जी अभी तो हमने वॉल्यूम कम कर रखा है। तो शिमले में मैंने वहीं पे मैट्रिकुलेशन किया, उसके बाद मैं 2 साल के लिए होशियारपुर में आके पढ़ा, जिसे इंटर कहते हैं, वो मैंने होशियारपुर में आगे की, और फिर से ग्रेजुएशन के लिए शिमले पहुँच गया। 52 के एंड में वहाँ ग्रेजुएशन की, 53 में नौकरी की तलाश में, काम की जस्तजू में बॉम्बे पहुंच गए, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे थे मदनपुरी फिल्म लाइन में, तो दिमाग में कुछ कीड़ा तो था फिल्मों का, वो यहाँ आके यहाँ के हालात देख के फिल्मों में काम छोटे ढर्रे पे शुरू किया जाए तो वहीं के वहीं आदमी फंस जाता है, वो कुछ चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई। तो ये सोचा कि इसकी 52 में तो उम्र 20 साल की रही होगी, 52 का जन्म 20 साल, 21 बरस का था जब मैं यहाँ आया। अच्छा। तो उस वक्त कुछ वो
समझाने पे लोगों के, तो समझ गया मैं जल्दी कि ये मामला इतनी जल्दी शुरू करने वाला नहीं है, तो आराम से देखेंगे। तो उस वक्त तो इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट के लिए तो हमने गवर्नमेंट की नौकरी की तलाश कर ली। अच्छा। और इत्तफाक से वो नौकरी हमने 21 बरस की उम्र में 21 बरस तक करते रहे, तब से शुरू की हुई। अच्छा, मैंने जैसे 73 में जो जॉब शुरू की थी, वो 75 में जाके मैंने रिजाइन किया था। अच्छा। लेकिन इस बीच में वो जो थिएटर का और एक्टिंग का कीड़ा तो दिमाग में कहीं था, तो ऐसा लगता था कि कोई हमें प्रोजेक्ट करके कहीं पहुंचा दे, किसी का सहारा चाहिए था। ऑफिस में 61 में मुझे खबर मिली, हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है मेंघानी, जो यहाँ पे बाद में वो हमारे साथ प्लेस में भी काम करते रहे हैं, और आजकल भी वो सिंधी थिएटर कर रहे हैं, बहुत सिंधी का कमर्शियल थिएटर काफ़ी किया है उन्होंने। तो बहरहाल वो मेरे दोस्त भी थे वहाँ पे, तो उनको एक बार हमने अपने मन की पीड़ा बता दी कि यार कुछ थिएटर में हमको भी करना है, तो कुछ बताओ रास्ता। तो उसने कहा ठीक है, हम आपको लिए चलते हैं नाट्य संघ में। वो वहाँ से 1 साल का कोर्स पहले कर बैठे थे। अच्छा। मुझसे पहले भारतीय नाट्य संघ? जी नहीं, सिर्फ नाट्य संघ। अच्छा, यहाँ बम्बई के संस्था। अच्छा। उस टाइम पे यहाँ अलकाजी साहब उसके डायरेक्टर थे। क्या इसी का नाम थिएटर एकेडमी भी था क्या? हाँ, नाट्य एकेडमी। नाट्य एकेडमी। अच्छा। तो नाट्य एकेडमी, कल मीडिया ने नाम वो बताया, थिएटर एकेडमी बताया। हाँ, थिएटर एकेडमी उनकी थी, वो और संस्था थे। अच्छा। ये नाट्य एकेडमी थी, तो यहाँ पे अलकाजी साहब हेड थे, यहीं से छोड़ के वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए थे दिल्ली। अच्छा। अच्छा। तो वहाँ हमें ले जाया गया। उसके पहले एक बार ऐसा चांस हुआ था मेरा 56-57 में, जब पृथ्वीराज जी का थिएटर चल रहा था, पृथ्वी थिएटर, तो हमने एक बार ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम उस थिएटर को ज्वाइन कर लें, लेकिन वहाँ कुछ बहुत पेचीदा चीज़ें पाई, बहुत लोग एंटर हुए हुए थे थिएटर में, और ज़्यादातर उनके फैमिली के ही बहुत से लोग थे, कुछ बाहर के भी एक्ट्रेस थे, तो ना जाने क्यों कुछ ऐसी हिम्मत नहीं हुई वहाँ स्टार्ट करने की, वरना तो पृथ्वीराज जी जो खुद भी मैंने उनसे बात की थी। अच्छा। तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने, अफेक्शनेट ढंग से कहा था कि भाई तुमको अच्छा लगता है तो आ जाओ, उन्होंने तो कभी ना नहीं किया था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अपनी ही कुछ हिम्मत नहीं हुई उस वक्त स्टार्ट करने की। खैर, 61 में गवर्नमेंट सर्विस में किस डिपार्टमेंट में वैसे थे तुम? स्टेट इंश्योरेंस। स्टेट इंश्योरेंस, और पोस्टिंग यही बम्बई में? बॉम्बे में। स्टेट इंश्योरेंस केस थे। हाँ। तो अलकाजी साहब के पास मुझे वो हमारे मित्र ले गए एक दिन शाम को, तो बहुत ड्रामेटिक मोमेंट था। वो नाट्य संघ का जो ऑफिस था उसके एक कोने में एक फिगर बैठी हुई टेबल के ऊपर काम कर रही है, उसको दूर से मैंने देखा, जो अलकाजी साहब थे, बहुत सीरियस फेस उठा के उन्होंने दूर से मुझे एक नज़र से देखा, और हमने दूर से कहा मे आई कम इन, तो यस कह के उन्होंने बुला लिया, तो उनके सामने टेबल पे खड़े हो गए हम पास जाके, तो उन्होंने हमारी तरफ ऊपर नीचे देखा, और हमारे मित्र ने बता दिया कि ये ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस, कोर्स है, 1 साल का कोर्स था तो एक्टिंग, और इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में शुरू हुआ था, और बाकी जो स्टूडेंट्स उन्होंने लिए थे उनके साथ क्लासेस शुरू कर दी थी। ये 54-55 की बात? जी नहीं, 61। अच्छा, ये 61 की बात है। बीच में यूँ समझिए 7 बरस निकल गए। अच्छा। नौकरी करने का। अच्छा। तो कुछ नहीं किया था। अच्छा। उस टाइम के अंदर हमने शादी की थी
59 में हाँ बहुत बड़ा काम हो गया। तो शादी करने के बाद अब लगा कि कुछ और करें, तो 61 में हमने ये थिएटर ये इस तरीके से ज्वाइन किया। तो अलकाजी साहब ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, वेल यू वांट टू वर्क इन थिएटर, आई सेड यस ओके। तो ड्रॉअर खोला और वहाँ से एक स्क्रिप्ट निकाल के मेरे हाथ में पकड़ा दी, दिस इज इंग्लिश प्ले बाय आर्थर मिलर, ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज एंड यू स्टडी दिस कैरेक्टर, द मेन कैरेक्टर एडी कॉर्बो। मैंने कहा हजूर मैं अभी ज्वाइन करने आया हूँ, आपने मेरे हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ा दिए, नो वील सी इट, we'll see to it, you go and prepare it, prepare in the sense just read it and come tomorrow to the classes. अच्छा शुरू होगा। अब हमारी क्लासेस ही वहां से शुरू हुई कि रिहर्सल्स शुरू आर्थर मिलर के प्ले की, व्यू फ्रॉम द ब्रिज, और वो भी इंग्लिश में, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। मैंने कहा ये तो मुश्किल हो गई। खैर पढ़ना शुरू कर दिया तो सडनली 7-8 दिन में हम थिएटर में इन्वॉल्व हो गए, वो पढ़ना और उसके बाद कुछ क्लासेस का होमवर्क और कुछ सेट बनाने कुछ ये करना, तो एक साल तक हम थिएटर में इस तरीके से बिजी रहे। माने शुरुआत हुई अंग्रेजी के नाटक से, अंग्रेजी के नाटक से, अंग्रेजी के नाटक से, और वो क्लासरूम प्रोडक्शन करनी थी, और अलकाजी साहब तो वैसे भी अंग्रेज थे वो तो अंग्रेज, क्योंकि उनका थिएटर ग्रुप जो था, थिएटर ग्रुप भी उन्हीं का एस्टेब्लिश किया हुआ था, थिएटर यूनिट ना, थिएटर यूनिट बाद में हुआ। अच्छा पहले वो थिएटर ग्रुप था, नहीं हाँ। क्या नाम क्या था उसका? थिएटर यूनिट जो था, दिस वाज द ओरिजिनल, उसमें से फिर थिएटर ग्रुप बाद में इंग्लिश जो डिपार्टमेंट था ये सेपरेट किया गया। अच्छा तो वो इंग्लिश प्लेज भी साथ में करते थे ना, उनके भी तो डायरेक्ट करते थे वो। तो 54 में इन्होंने थिएटर यूनिट की स्थापना की थी। अच्छा और 61 में ये व्यू फ्रॉम द ब्रिज करने के बाद फिर एक हमारे क्लासरूम प्रोडक्शन थी जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, जिसके हमारा जज किया जाएगा कि उसमें हम कितने अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सके हैं, वो दूसरी प्रोडक्शन थी मोलियर के स्केपिन बिच्छू। अच्छा वो हिंदी प्ले था बिच्छू। अच्छा वो डायरेक्ट कर रहे थे जो हमें क्लासरूम प्रोडक्शन के लिए, उनके साथ जो हमारी भेंट हुई उनका नाम था सत्यदेव दुबे। अच्छा अलकाजी साहब के चूँकि साथ काम करते थे दुबे साहब उनके साथ, तो अलकाजी साहब ने उनसे कहा था कि व्हाई डोंट यू टेक द क्लासेस ऑफ दिस नाट्य अकेडमी, और बच्चे हैं इनको सिखाओ। उनको तो मालूम था कि ये थिएटर तो भाई अंदर से बाहर तक थिएटर ही जानने वाले हैं, ये दुबे साहब टोटली इंटरेस्टेड इन थिएटर और डायरेक्टर की भी हैसियत रखते थे, इन्होंने उन दिनों में अपना प्ले भी बाद में डायरेक्ट किए मीचे थे। तो इनसे मुलाकात हुई तो हम पहले तो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुए इन्हें देख के, हमें ये हमें क्या पढ़ाएंगे, ये छोकरा से तो लगते हैं और बहुत ही छोटे दिखते थे। खैर इन्होंने कराना शुरू किया और कहीं पे हमें वो चीज़ अपील कर गई कि जो करवा रहे हैं कुछ ठीक ही है, बातें तो ठीक हैं। कुछ बड़ा दूसरे क्लास में लोग थे वो मजाक भी उड़ाते थे, तो हम थोड़े से सीरियस रहे ये देखने में कि करते क्या हैं। उसका थोड़ा सा फायदा ये हुआ कि जैसे हमने फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास किया, अच्छा वो कोर्स, अच्छा साल अवार्ड वगैरह मिल गया 62 में, तो वो ख़त्म करते ही दुबे साहब अपना एक प्ले अंधा युग करने वाले थे भारतीय, तो कहने लगे कि पुरी साहब आप हमारे साथ काम करेंगे उस प्ले में। हमने कहा ज़रूर करेंगे, हमें तो थिएटर करना है, तो हम ले लिए गए और धृतराष्ट्र के हमने पंक्तियाँ
याद करनी शुरू कर दी। नवंबर में जाके वो प्ले हुआ और उसके कुछ हमने 14-15 शो अलकाजी के टेरेस पे किए 62 में। तो खट से हमें पता लगा कि ये तो बहुत मज़ा आता है थिएटर करने का। उसके बाद फिर 63 में इमीडिएटली दूसरे प्ले तैयार करने शुरू किए। मेरे ख्याल में उसके बाद हमने इनकलाब किया था, वो उसका युगो बेटी का, अच्छा, क्वीन इन द रेबल्स, अच्छा, इनकलाब प्ले वो किया। और फिर साथ साथ में हमने आषाढ़ का एक दिन किया उन्हीं दिनों में। और फिर एक नाटक तोता मैना किया था, अच्छा, लाल साहब का। वर्षे के थिएटर वहाँ से शुरू हो गया और जितना उसको गाते गए उतना गाने में मज़ा आता थिएटर का। तो तभी से लेके अब तक भी थिएटर यूनिट के तो हैं ही, तो बीच में बहुत से नाटक हुए हैं जिनका रिकॉर्ड भी है नाटक हिस्ट्री में होगा। अच्छा, एक बार बताइए, मैंने आप वैसे नेशनल स्कूल के विद्यार्थी नहीं कभी रहे हुए हैं? कभी नहीं। अच्छा, क्योंकि अलकाजी साहब ही वहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज मेनली नोन बिकॉज ऑफ अलकाजी लेटर, और अलकाजी ही यहाँ से छोड़ के वहाँ गए थे, दिल्ली जाके उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उस तरीके से नाट्य नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ संबंध उस किस्म का ज़रूर रहा है कि जब कभी दिल्ली जाते थे तो जाके विजिट करते थे। अच्छा, अलकाजी साहब के साथ काम किया, यहाँ एक नाटक तो उनके साथ किया ही, अंग्रेजी वाला व्यू फ्रॉम द ब्रिज, और उसके बाद और कोई नाटक उनके साथ किया नहीं, फिर हिंदी में ही दुबे के साथ किया बराबर। हाँ, फिर दुबे, फिर दुबे के साथ किया। अच्छा, तो अलकाजी के वर्किंग की पद्धति या अलकाजी के बारे में या ट्रेनिंग जो उन्होंने दी उसके बारे में कुछ बताइए। अलकाजी साहब से जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी और जो हर थिएटर में बहुत ज़रूरी है प्रतिभा जी, वो डिसिप्लिन है एक थिएटर का। वो कुछ आप उसे इंग्लिश स्टाइल कह दीजिए या कुछ भी कहिए, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन जो चाहिए थिएटर में एक्ट्रेस के लिए, वो उनमें देखा और वो किया। जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल था उनका, डायरेक्शन का उनकी समझ बूझ जो थिएटर की है वो बहुत सी तो समझ बूझ उनकी बोरोड थी। अच्छा, वो इंग्लिश थिएटर जो अच्छा थिएटर देखा है उन्होंने बाहर के मुल्कों में, खासकर इंग्लैंड वगैरह, वो उसको अच्छा समझकर रिप्रोड्यूस कर सकते थे, उसके आव भाव समझ सकते थे। बाकी थिएटर का उन्हें लगन बहुत रही है कुछ ना कुछ करने की। ये हैज़ बीन बेसिकली ए माइंड, आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड, यू नो, दैट वे ही वॉज वेरी एक्टिव एंड इन्फ्लुएंसिव ऑन थिएटर। अलकाजी कैसे मैंने प्रोडक्शन वो जो करते थे उसकी प्लानिंग वगैरह सब बहुत पहले से करके तैयार करके करते थे? हाउ ही यूज्ड टू और ट्रेन द आर्टिस्ट, हाउ ही यूज्ड टू डू इट, कैसे करते थे? मैंने वही बताया ना कि उनकी प्रैक्टिकल साइड जो थी वो बहुत पक्की थी। एक्टर को ये डिसिप्लिन देना कि आपने नाटक करना है तो सिस्टमेटिकली कैसे करना, आप पहले उसकी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट पढ़ के उसको डिज़ाइन करेंगे कि उसका सेट क्या डिज़ाइन होना चाहिए। मैंने वो हर आर्टिस्ट से सेट डिज़ाइन, हाँ, क्लासरूम प्रोडक्शन जो होती थी और ट्रेनिंग जो होती थी उनकी, उसमें वो सब के लिए ज़रूरी था। अपनी अपनी डिज़ाइन, फिर उसमें से जो डायरेक्टर को पसंद आए वो चुन करके, हाँ, करते कि आप प्ले पढ़ के आप उसको डिज़ाइन कीजिए कि आप इसके लिए कैसा सेट डिज़ाइन करें। अच्छा, और फिर उसमें हर एक्टर को कुछ ना कुछ रोल करना पड़ता था जितने स्टूडेंट्स होते थे।
और वो कास्टिंग उसकी खुद करते थे, देख के कि कौन से रोल में ज्यादा फिट होगा। ये क्लासेस शाम को हुआ करते रहे? शाम को, ऑफिस के टाइम के बाद हम जाते थे, तो उसमें काफी समय जाता था। कितना समय लग जाता था एक प्रोडक्शन? एक ही तो किया होगा उसको? नहीं, पर दो प्रोडक्शन किए ना हमने उसके बाद। एक तो वो किया व्यू फ्रॉम द ब्रिज, और उसके बाद फिर ये बिच्छू किया। अच्छा, बिच्छू वाज आल्सो सपोज्ड टू बी डायरेक्टेड बाय अलकाजी ओनली, क्लासरूम प्रोडक्शन। अच्छा, दुबे साहब उनको असिस्ट कर रहे थे। अच्छा, तो वैसे देखा जाए तो एक्चुअली वो दुबे साहब ने ही डायरेक्ट किया सर, क्योंकि वो हैंडल कर रहे थे खुद ही। तो बहुत बड़ा अंतर लगा होगा दुबे के स्टाइल में और अलकाजी के स्टाइल में। वही तो हमें इम्प्रेस किया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उनके साथ जैसे काम करता रहा तो उसमें बहुत तथ्य दिखता था, उनकी कही हुई बात में कुछ रीजन दिखता था कि ये जो बात कह रहे हैं ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं दुबे जी। हाँ, अच्छा, तो वो हमें अपील कर जाती थी कि भाई बहुत थिएटर में अगर कोई एक्टिंग के लिए मदद कर सकता है या एक्टिंग के ऊपर कुछ बता सकता है हमारी समझ बूझ के हिसाब से, जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं और जो उनके सुन के हमें अच्छी लगती हैं, तो उसके लिए तो हमारे लिए कमाल का आदमी है। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि करीब करीब 62 से लेकर के 84 तक 22 साल दुबे के साथ आप काम कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तक तो भी कर रहा हूँ, टच वुड। हाँ, आपकी बात तो उसके साथ साथ दुबे के बाद आपको दुबे के सोचने के तरीके में, काम करने के तरीके में कुछ विकास होता हुआ, कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखा है, या वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे? उनका जो थिंकिंग है वो तो बेसिकली वही है और उसी के हम कायल हैं। I think, थोड़ा इसको एलेबोरेट कीजिए ना, इस पॉइंट को, थिंकिंग उनकी, इफ यू कैन। इन टर्म्स ऑफ थिएटर मेरे ख्याल में मैं इजीली कह सकता हूँ कि बॉम्बे में शायद ही कोई ऐसा हो जो इतने विस्तार रूप से और गहराई में थिएटर को समझता होगा और प्ले के एग्जीक्यूशन को, जिसमें न्यू आइडियाज डाले जा सके जो दुबे साहब की समझ बूझ है, चूंकि उनके साथ मैं बहुत रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने बाकी के लोग नहीं देखे करते हुए, बहुत हर किस्म के नाटक होते हैं बॉम्बे में, किए जाते हैं और काफ़ी इमेजिनेटिव भी बहुत से रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि मैं इनके साथ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, बट आई हैव बीन टोटली इम्प्रेस्ड, टोटली कन्विंस्ड एंड टोटली ओवरपावर्ड बाय हिज नॉलेज। क्या मैंने सबसे अच्छी, हो सकता है मेरी समझ बूझ इतनी कम हो कि मेरे लिए तो हमेशा नहीं दुबे की सुपर ही रहे। दुबे की क्षमता और योग्यता इसके बारे में तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता है, यद्यपि वो हमेशा, आई मीन इट इज वन बिग एग्जांपल नॉट ओनली इन बॉम्बे बट इन द थिएटर वर्ल्ड ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल लेवल पे मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत से इंटरनेशनल प्लेस नहीं देखे, और जो कुछ होते देखे भी हैं यहाँ बाहर के लोग लेके आए हैं कभी कभी, घटिया प्रोडक्शन ही देखी उसमें नामी, अच्छे प्रोडक्शन तो आ भी नहीं पाते, दे आर टू एक्सपेंसिव, तो नॉर्मली हाँ तो आ भी नहीं पाते, तो ज्यादा टेक्निकली जो सेकंड क्लास थर्ड क्लास ही आते हैं, टेक्निकल लेवल पे जरा ये बत्ती बुझाई और वो जला दी और वो कर दिया और वो कर दिया। तमाशा, दुबे की सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है तुमको डायरेक्शन की, या महत्वपूर्ण? वो हर एक्टर में से जो चीज एक हद तक तो बताते हैं, वो देखते हैं कि किससे मैं करवा सकता हूँ, और बहुत जल्दी भांप जाते हैं कि इससे मैं कुछ काम निकाल सकता हूँ कि नहीं, और अगर उनको दिख जाए कि इससे निकालना मुश्किल है तो फिर वो बताना शुरू करते हैं। अच्छा, और इस लेवल तक बताते हैं और इतनी बार बताएंगे कि उसको ये रियलाइजेशन होना शुरू हो जाए एक्टर को कि इस बार मुझे बताया गया है, नेक्स्ट टाइम मैं खुद खोजने की कोशिश करूँगा। अच्छा, उनका ढंग बताने का ये होता है, यानी किसी को अंडरमाइन करने वाली तो बात रहती नहीं है। अच्छा, उसमें से कितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं
he is always in the lookout for adding more people, more responsible people, more interested people in theater. उनका कहना है कि थिएटर कोई मेरे बाप की जागीर नहीं है. Let everybody do it. अगर आज मैंने नाटक किया है और उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि 10 के 10 में क्षमता होनी चाहिए कि वो अपना नाटक खुद डायरेक्ट कर सके. और ये जरूरी नहीं है कि मैं ही उनको अपने थिएटर यूनिट में चांस दूं. कभी दे भी सकता हूं क्योंकि थिएटर यूनिट का तो हेड मैं हूं. अब उनको करना है तो संस्था अपनी दूसरी खोल लें और करें. और करें. अच्छा, एक तो वहां से शुरुआत की. तो पहला नाटक बिच्छू किया, उसके बाद आषाढ़ का अंधा युग, फिर आषाढ़ का एक दिन. इनकलाब, फिर नाटक तोता मैना. उसके बाद फिर हमने फिर तो सुनो जन्मे जो तो बाद में किया. उससे पहले भी 65 में और कौन कौन से नाटक थे. फिर एक नो एग्जिट भी तो वो 65 में किया था. हाँ. जब भी दुबे साहब मेन रोल कर रहे थे. अच्छा, एक बात ये बताइए, इतने नाटक किए, किन नाटकों में करके, हमारे ख्याल से ज्यादातर नाटक सब जो किए वो आपने दुबे के ही साथ काम किया ज्यादातर, और किसी के साथ भी किया. बाहर मैंने कुछ ऐसे 2-3 बार किया था. अच्छा, एक तो डॉली रिज़वी के साथ किया था, हमको ख्याल है कलकत्ता. हाँ, कलकत्ते में आए थे करने के लिए. हाँ. बाकी मैंने एक और यहाँ के रोशन है, वो भी इंग्लिश थिएटर करती थी, उनके साथ एक यहीं का दीना क्या नाम था, उन्होंने प्ले लिखा हुआ था, इंग्लिश प्ले. अच्छा. उसको कुछ अवार्ड भी मिला था. अच्छा. तो उस प्ले को किया था, बहुत अच्छा नहीं हुआ था वो प्ले. अच्छा. इंग्लिश प्ले किया था. अच्छा, इतने नाटक आपने किए, इनमें से किस नाटक को और उसमें किए गए रोल को आप महत्वपूर्ण मानेंगे, आपको अच्छा लगता है, आनंद मिला करके? वैसे तो नाटक सभी आनंदित करने वाले हुए हैं. करने वाले हुए. वेरी गुड. क्योंकि नाटकों की जो एक चॉइस होती थी मेनली दुबे साहब की हुई, तो ऑल हैव बीन गुड. कुछ थोड़े 3-4 छोड़ के जो ऐसे ही ठीक है कर ली, और वो भी एक चेंज के लिए अच्छे रहते हैं. वरना कुछ ऐसे नाटक हैं वाकई में जिनमें बहुत मज़ा आया, जैसे पगला घोड़ा. अच्छा. बहुत मज़ा आया था. अच्छा. आनंद होता था. पगला घोड़ा में कार्तिक का रोल किया था जी. अच्छा. कार्तिक कंपाउंडर. अच्छा. है वदन गिरीश कारनाल का. तो नाटक करते थे, बहुत मज़ा आता था, उछल उछल के करते थे. अच्छा. और उससे पहले शांतता कोर्ट चालू है मराठी का, हिंदी. अच्छा. में चुप कोर्ट चालू है. हाँ. सुलभा ने डायरेक्ट किया था. अच्छा. कंपटीशन में लेके गए थे नागपुर में. अच्छा. जिसमें हमें 4 अवार्ड मिले थे उसके, एक तो नाटक का. अच्छा. नाटककार का, फिर डायरेक्शन का. तो हिंदी में ही किया होगा. हिंदी में किया. हाँ. और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था. अच्छा. महाराष्ट्र स्टेट कंपटीशन का था वो. अच्छा. अच्छा. तो स्टेट कंपटीशन में क्या किसी भी भाषा में आप कर सकते हैं? 69 में किया था. हैं जी. हिंदी, मराठी, किसी भी भाषा में कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने ऐसा रखा हुआ था मराठी और हिंदी का भी ग्रुप. हिंदी के जितने नाटक होते थे वो नागपुर में किए जाते. अच्छा. तो चूंकि नागपुर में हिंदी काफ़ी प्रचलित है. अच्छा. तो इसलिए हिंदी का भी उन्होंने एक विभाग रखा हुआ. अच्छा. 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 तो वो नाटक हुआ, और फिर राकेश जी के आधे अधूरे, वो तो देखा हुआ, वो भी बहुत मजे से किया और अब तक भी कर रहे हैं. अच्छा, अभी भी करते हैं? हाँ. अच्छा. वो उसके बहुत शो किए हैं. हाँ, उसमें कौन कर रहा है अब सावित्री का रोल? अभी सुनीला प्रधान. सुनीला कर रही. अच्छा. अच्छा. पहले ललिता कार्यकर करती थी. हाँ. तो ललिता कार्यकर ने तो पहले शोज किए थे कुछ. मैंने जब देखा था तब ललिता कार्यकर को. हाँ, 20-25 शो किए थे. 69 उसके बाद उनको ट्रांसफर कर दिया था मराठी में.
उसके मराठी प्रोडक्शन की थी जो फिर डॉक्टर लागू कर रहे थे मेन रोल, तो हमारा हिंदी का कंटिन्यू करने के लिए तो बाकी के मैंने सारी जो फैमिली थी अपनी दे दी थी मराठी को। अच्छा। तो मैं ही एक हिंदी का रह गया था। अच्छा। और मैंने फिर नई फैमिली बनाई। नई फैमिली बनाई। हाँ। तो आपको ये सुख भी जो है सो मिला। हाँ। कि एक परिवार पूरा त्याग परिवार तैयार करके बहुत बेटियां बदलती रही। हाँ। बेटे बदलते रहे तो पत्नी को पकड़ के रखा, सुनीला प्रधान ही रही। अच्छा, तो हमेशा प्रधान रही। अच्छा, अब आप पिछले और फिर अपना एवं इंद्रजीत करने में बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया। अच्छा, कुछ ये लगता था सहाराम बाइंडर। अच्छा, तो ये कुछ प्ले हैं जिनको करने में एक बहुत उत्साह और एक फीलिंग होती थी कुछ कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ ये लगता था कि आप कुछ अपनी ओर से ऐड कर रहे हैं या डायरेक्टर जितना बताता था उतना भर ही रिप्रोड्यूस करते थे? देखिए, डायरेक्टर तो रियली प्रतिभाजी उतना ही बता सकता है जितना आपको आपकी समझ देखता है, आपको मूवमेंट्स बता देगा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये फीलिंग्स चाहिए, ये मेरा टोटल एटीट्यूड है प्ले का। अब जब तक उसमें एक्टर अपनी तरफ से कुछ नहीं डालेगा तो फिर तो प्ले एक बिल्कुल एकेडमिक लेवल पे ही रह जाता है कि हाँ ये प्ले है, तो भले ही आप जाके स्टेज पे देख लीजिए या खुद बैठ के किताब पढ़ लीजिए, तो फिर तो खुद किताब पढ़ने में मज़ा ज़्यादा आएगा। हाँ, अच्छा। और दुबे इसके लिए पर्याप्त छूट देते थे? बिल्कुल, कि आप अपने ढंग से। नहीं, आप ढंग से नहीं, वो ढंग भी उनका जो माइंड में रहता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए। हाँ। इस ढंग का मुझे करके दिखाइए। अच्छा, ये कंडीशन भी रहती थी कि हाँ ये तो आपको दूसरे किसी भी ढंग से नहीं करने दूंगा, ये मेरे माइंड में जो ढंग है वही सही है, एंड दिस इज एन ऑर्डर, तो उस ढंग को कीजिए। अच्छा। अब क्योंकि हमें वो पूरा विश्वास था कि इनका ढंग जो है वो करेक्ट है, इसलिए उसको वहां हाँ, तक पहुंचने वो हमने थोड़ा सा कहना पड़ेगा कि कुछ लोग बल्कि ये कहेंगे कि ये क्या हुआ सोचने का तरीका, तो ब्लाइंड फेथ था। थिएटर यूनिट के और भी एक्टर्स में इस तरह का फेथ रहा हुआ है या कहीं? मैं समझता हूँ कि 95% में। 95% तो 100% हाँ, यही फेथ रहा। अच्छा। बल्कि मुझे ये सुनने में कोई भी छोड़ के हमको गया हो और उसने कभी ये कहा हो कि नहीं यार समझ लिया क्या डायरेक्शन करते हैं, ऐसे भी क्या ग्रेट हैं, तो ये किसी के मुंह से सुना नहीं, तो सुना है तो ग्रेट ही सुना है। अच्छा। तो जब सुपरलेटिव वर्ड यूज किए जाते हैं तो उसमें तो कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं होती ना कि इससे कम भी हो सकता है। चलो, दुबे जिस दुनिया में रह रहे हैं, माने बंबई में, वैसे हिंदुस्तान तो खैर ठीक है मगर अब तो खैर उन्होंने बहुत ही सीमित कर दिया है, तो दुबे जी ग्रेट माने जाते हैं, महान माने, फिर भी उनको इतनी परेशानी क्यों रहती है अपने आप को डंका डंके के साथ एस्टेब्लिश करने के? नहीं नहीं नहीं, वो जितनी चीजें बाहर बता देते हैं उनसे दूसरे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, पर जिस लेवल की सेटिस्फेक्शन वो खुद चाहते हैं अपने अंदर, वो शायद ना अटेन करने पाए हो अभी तक। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि मैं महान हूँ, लोग मुझको मानते नहीं महान, तो झगड़ा तो सारा इसी बात का हो जाता है। वो लोगों को बोलते हुए देखते नहीं ना, और बहुत से लोग मानते तो सभी हैं। कुछ लाउड स्पीकर लगा करके कुछ उनको कुछ दिन तक सुनवा दिया जाए। नहीं, ये तो हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, हर मनुष्य की, हर जीवित, क्या कहते हैं उनको, हर जीव की। हाँ। के जितना मिले उससे ज्यादा तो चाहिए ही। अच्छा, इधर दुबे जी की बात, अभी 1.5 घंटा उनसे बातचीत करके आए, अभी और बहुत घंटे करने होंगे और उसमें बहुत बार तो झाँझाँ होती ही रहेगी। अच्छा, बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही क्रिएटिव है। आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन द रिकॉर्ड कि आई वांट यू टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड। नो, आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड बिकॉज आई नो हिम। उनकी क्रिएटिविटी उस लेवल की है कि जो चीज़ें हमें ईजिली समझ में नहीं आएंगी
जिनका शुरुआत ही समझ में नहीं आती है वो उसको मिडल से पकड़ते हैं। अच्छा। वो तो अपने अपनी समझ बूझ की बात है, ये भी एक टैलेंट है और गॉड गिफ्टेड ही टैलेंट हो सकता है कि किसका माइंड कैसे चलता है। और मैंने अपनी होश में और अपनी समझ बूझ से जितना उनका माइंड वर्क करता हुआ देखा है तो हमें कोई ये दूसरी बात सोचने की गुंजाइश ही नहीं है कि यानी इतना ही हमारे पल्ले नहीं पड़ता है तो इससे ज्यादा कोई समझ बूझ वाला होगा तो उसके साथ बैठ के तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो हमारे लिए तो ग्रेट है और जितने हमारे थिएटर के लोग रहे हैं उनके साथ संबंधित रहे हैं तो सभी मानते हैं। कुछ जो नहीं मानने वाले हैं या नेगेट करने वाले होंगे वो खुद क्रिएटिव होंगे और समझते होंगे कि मैं इसको क्यों मानूं। नहीं, हमको ऐसा तो नहीं लगता कि दुबे को कोई निगेट करता होगा। ये अलग बात है कि कोई महान माने, कोई बहुत अच्छा डायरेक्टर माने। अब सवाल ये है ना कि अब आप महान हो, महानतर महानतम कहाँ करो या क्या करो, मगर हमें समझते हैं कि दुबे को एक बहुत अच्छा सिंसियर निष्ठावान अच्छा श्रेष्ठ निर्देशक और अभिनेता है तो सभी मानते हैं। हमें नहीं पता कि कौन इसको निगेट करता होगा। आई डोंट नो। नहीं, वो कुछ बीच बीच में जो राइवलरी जो होती है होंगी कहीं पे जरूर। तो देखो थोड़ी बहुत यदि होती भी है उनको बहुत से तो स्वाभाविक मान करके चलना चाहिए। और राइवलरी जो करने वाले हैं उनकी खुद कितनी हैसियत है और खुद उनमें कितना दम है वो समझ के आदमी समझ जाता है कि ये इस राइवलरी में दम नहीं है। अच्छा, इधर पिछले काफी दिनों से तुम फिल्म में भी काम कर रहे हो। जी हाँ। और कितने साल हो गए? 8-10 साल तो हो गए फिल्मों में। तो अभी 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। 10 क्यों? मैंने एक्चुअली तो फिल्मों में काम करना शुरू किया हुआ है 70-71 से। 70-71 से तो करीब 13-14 साल हो रहे हैं। कैसा लगता है फिल्म में काम करके? और फिल्म और थिएटर के एक्टिंग को तुम कैसे उसको डिफरेंशिएट करोगे? तुमको ज़्यादा आनंद किस में मिलता है? लास्ट क्वेश्चन का जवाब पहले दे देता हूँ कि आनंद तो थिएटर में ही मिलता है। अच्छा। फिल्मों का जो आनंद है वो दूसरे किस्म का है। एक तो इमीडिएट मिलता नहीं। हाँ। और उसके लिए जैसे फिक्स डिपॉजिट पॉलिसी रखी हो बाद में पैसे मिलेंगे। हाँ। वो हिसाब होता है कि आज आप काम कर दीजिए आपको इसका श्रेय मिलेगा जाके एक साल के बाद। हाँ। खुशकिस्मती से अगर एक साल में पिक्चर रिलीज हो जाए तो और तब तक जो है वो काम करने का आनंद तो खत्म ही हो गया रहता भूल है, चुका भूल होता भी है। चुका होता है और हाँ। फिर वो आनंद रिवाइव होता है बाद में कि सडनली याद आता है हाँ यार इसमें काम किया था तो ये तो अच्छी चल रही है अभी। हाँ। और कभी कभी देख के बहुत कोफ्त होती है कि इसमें काम तो हमने अच्छा किया था ये तो बहुत बकवास बन गई। हाँ। और हमारा काम भी बकवास है क्योंकि वो टोटलिटी में ही पिक्चर जब ठीक नहीं बने जो बहुत सी चीज़ों के ऊपर निर्भर है। अब उसमें फोटोग्राफी है, उसमें कैमरा एंगल्स हैं, अब किस तरीके से उसको फोटोग्राफ किया गया है, सीन को कैसी शेप दी गई है, उसकी कटिंग कैसी की गई है, एडिटिंग कैसी हुई है, साउंड कैसी हुई है, उसमें क्या क्या है, अब वो सब चीज़ें तो हमें मालूम नहीं होती हैं शूटिंग करते हुए। हम तो अपनी एक्टिंग करके आ जाते हैं और वो एक्टिंग हम उसी नशे में और उसी जोश में करते हैं जो थिएटर में करें। ये ज़रूर है कि हम सीन बाई सीन करते हैं लेकिन उसमें उतना ही डालने की कोशिश करते हैं और कम इसलिए आता है कभी कभी कि वो थिएटर में तो 4 महीने की रिहर्सल से 4 हफ्ते की रिहर्सल से कैरेक्टर दिमाग में बैठा हुआ होता है कि ये है, ये लाइनों में मीनिंग ये है, वर्ड्स में मीनिंग ये है, शब्दों के पीछे जो ये मतलब है। वो फिल्मों में सामने जब लाइन्स आती हैं तो उसी वक्त आपको एक्टिंग करके वो सीन पूरा करना होता है तो उतनी गहराई आ नहीं पाती कभी कभी। अच्छा, क्या मैंने बिल्कुल इस तरह से फिल्मों में करते हैं क्या? जरा सा एक सीक्वेंस लिया, 2 डायलॉग आपको दिया, ये डायलॉग बोलना है इस तरह से? देखिए, जो ज़्यादातर कमर्शियल फिल्में बनती हैं उनका एटीट्यूड यही होता है कि आप वहाँ पे पहुँचे सेट पे तो आपको बताया गया जी आज फला सीन करेंगे। अच्छा।
उस सीन में दो पेज का सीन हुआ, उसमें मेरे चार पांच डायलॉग अलग अलग हुए। तो सीन पढ़ के आप उस वक्त समझ जाइए कि आप क्या करना चाहते हैं। टोटल जो कैरेक्टर की समझ है वो आपको मिल चुकी है, बताया जा चुका है कि आप ये काम कर रहे हैं। तो उसी वक्त वो सीन को प्रिपेयर करके, उसके डायलॉग्स वगैरह याद करके, तो उसी टाइम पे वो सुबह से शाम तक जो सीन पूरा करना है डिफरेंट एंगल से, पीस बाय पीस, एक सीन के 8-10 शॉट बनाए जाते हैं, तो उसी सीन में वो शॉट जगह जगह से लिए जाएंगे। तो ऐसा फिल्मों का काम रहता है। अब वो हमारा थिएटर का तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जिसमें एक आनंद दूसरे किस्म का आता है। तो आपके जो लास्ट प्रश्न का जवाब था वो मैंने ये दिया है, आनंद तो थिएटर में ही आता है, फिल्मों में आनंद बाद में मिलता है। और कभी कभी वो आनंद इतना ज़्यादा मिलता है कि जो शोहरत के लेवल पे होता है, अब फैन बन जाते हैं आपके, तो जो आदमी नहीं भी आपको जानता होगा या फिर वो फिल्म में आपको देखने के बाद आपका फैन भी हो जाएगा। तो उस किस्म की जो ये क्रेविंग होती है हर ह्यूमन बीइंग की, टू बी नोन, वो काफ़ी सेटिस्फाई होती है। तो कहीं कॉन्ट्राडिक्शन बहुत बार नहीं लगता, क्योंकि थिएटर में तो अभी भी हिंदी थिएटर में तो बहुत ही कम लोग आते हैं, फैन वाली स्थिति तो नहीं थी, कहनी चाहिए कि नहीं ही बन पाती है। तो कैसा, तुमको कैसा लगता है थिएटर के बाद उस तरह की शोहरत नहीं मिलती तो कुछ उससे तकलीफ होती है? नहीं, थिएटर की जो शोहरत है वो बहुत पर्सनल लेवल पे होती है, क्योंकि थिएटर देखने वाले भी जो आते हैं वो इतने क्लोज कांटेक्ट में बैठे होते हैं देखने के लिए, और नाटक ख़त्म होने के बाद फिर आके वो पर्सनली मिलते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो उनके जो इम्प्रेशन हैं वो इमीडिएटली पता लग जाते हैं, एंड दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद यू। ऑल दोज पीपल हु हैव कम एंड सीन योर प्ले फॉर पास्ट 10 ईयर्स, हु हैव बीन सीइंग योर प्ले एंड कमिंग एंड एवरी टाइम, उनकी एक लुक से पता लग जाता है कि हाउ मच दे हैव लाइक माई वर्क इन द प्ले और हाउ मच दे हैव लाइक द प्ले। और उनकी नज़र को देख के ही वो अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ, ये काम किया हुआ व्यर्थ नहीं गया, अर्थ है इसका, अर्थ है इसका। अच्छा, तुमने कुछ डायरेक्शन का काम भी किया कुछ एक नाटकों में? डायरेक्शन का काम मैंने किया सिर्फ एक प्ले के लिए, और वो भी जुबे साहब के कहने पे कि जुबे साहब आप एक प्ले डायरेक्ट कीजिए तो आपको ज़रा कुछ समझ में आएगा कि एक्टिंग क्या होती है, दूसरों की प्रॉब्लम क्या होती है, आप तो अपना ही सोचते हैं। वो सारी रात। अच्छा, सारी रात प्ले जो आप ही ने जिसका अनुवाद किया है वो हमने किया, और अच्छी तरह हमने मज़े से उसका टाइम लगाया। अच्छा, सोच समझ के क्या करना है क्या नहीं करना, तो गाइडेंस वगैरह तो उस हिसाब से, उस लिहाज से शुरू में देते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ता रहा प्ले को तो मुझे बहुत आनंद आया। अच्छा, तो उसमें जो भी हाव भाव लाने थे, जो कुछ करना था, उसको पूरा सेट किया फिर मैंने। उसके बाद फिर और कोई नाटक डायरेक्ट करने की प्रेरणा नहीं मिली, इच्छा नहीं हुई? इच्छा जानबूझ के मैंने पैदा नहीं होने दी, क्योंकि मैं बेसिकली एक्टर हूँ, तो मैं उतना टाइम डायरेक्शन में जितना सर्व करूँगा और मुझे उसका कुछ उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो मैं सोचता हूँ वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो मेरे बस की जो चीज़ नहीं है। जिसके आइडियाज़ फ्रेश होते हैं, बहुत न्यू आइडियाज़, न्यू टेक्निक्स माइंड में आने वाली, उस ढंग से मेरा माइंड काम नहीं करता शायद, तो मैंने बहुत सीरियसली नहीं सोचा था। आई एम हैप्पी एज एन एक्टर, सीधी बात तो ये। हाँ, एज एन एक्टर यू हैव रीच्ड हाइट, डेफिनेटली यू हैव रीच्ड लेवल। अब एक्टर होते हुए कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो साथ साथ में आते हैं, छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं, वो हम कभी अपनी तूतनी बजा के बोल देते हैं डायरेक्टर साहब को, उनको ठीक लगे तो वो रखेंगे,
नहीं ठीक है, ये तो अगर रखेंगे तो आइडिया उनका हो गया, हाँ. नहीं तो हमारा कैंसिल किया हुआ तो हमारा है ही. दैट इज वेरी ट्रू. दूसरे बहुत से मैंने नाटक में मुख्यतः अभिनय के सिवा और क्या काम, आपने कुछ और काम किया? नहीं, बैक स्टेज काम भी देखा हुआ है, वो तो सब समझ बूझ है, हम कर सकते हैं कभी. पर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुझे वो बैक स्टेज का ज्यादा काम करना नहीं पड़ा, क्योंकि शुरू में ही हमेशा स्टेज पर रहे, मेन रोल्स में इन्वॉल्व रहा हूँ, तो अपने हेल्पर साथ में कुछ आ जाते थे जैसे, जिन्होंने बैक स्टेज भी किया, जिन्होंने बाद में एक्टिंग भी किया, और ज्यादा थिएटर की समझ आती है उन लोगों को, टू गो इनटू ऑल फील्ड्स. अच्छा, आपने दुबे जी के काम के बारे में चर्चा की, कुछ और डायरेक्टर्स और एक्टर्स जिनको आपने देखा यहाँ बम्बई में या हिंदुस्तान में कहीं भी और देखा, उनके काम के बारे में, हुम डू यू थिंक हैव डन यूजफुल क्रिएटिव वर्क? काम तो यहाँ पे मराठी थिएटर में भी काफी हुआ है, बंगाली थिएटर भी देखा हमने, यहाँ का गुजराती थिएटर भी देखा है. एक तो अपने मराठी में विजय मेहता काफी इम्प्रेस किया हमने उनके काम में. सुलभा ने बहुत अच्छा काम किया, सुलभा के साथ तो हमने प्ले किया भी है, उसकी डायरेक्शन में मैंने दो प्ले किए. अच्छा, कौन से? सकाराम बाइंडर. अच्छा. और उससे पहले चुप कोट चालू. अच्छा. सुलभा ने डायरेक्ट किया. अच्छा. फिल्म जो बनी थी चुप कोट चालू, शांतता कोट चालू है, मराठी वाली, तो वो किसकी, अरविंद की डायरेक्ट की हुई थी फिल्म? हाँ. क्या बात कर रहे हैं आप, दुबे साहब की? नहीं, मराठी वाली. अच्छा, मराठी फिल्म दुबे साहब ने डायरेक्ट किया है. कलकत्ते में दोनों देखा था हम लोगों ने, शांतता और वो. हाँ, प्ले जो था, प्ले अरविंद ने डायरेक्ट किया था. प्ले जिसकी फिल्म बनी थी. हाँ हाँ, बट प्ले डायरेक्ट किया था अरविंद ने. अच्छा. उसकी जो फिल्म बनी थी वो दुबे साहब ने डायरेक्ट की. अब फिल्म तो मीडियम ही डिफरेंट है ना. फिल्म इज अ डिफरेंट मीडियम. प्ले फिर में शांतता में फिल्म के मीडियम एक्टर्स वही लिए थे उन्होंने, बट वो कैमरा प्लेसिंग्स, क्या सीन कहाँ से कट करके कहाँ करना है, और फिल्म स्क्रिप्ट उसकी कैसे लिखनी है, तो फिल्म स्क्रिप्ट उसकी डिफरेंट तरीके से लिखी गई थी. अच्छा. वो नाटक की जो स्क्रिप्ट थी वो नहीं, जो टेंडुलकर साहब को कह के उसकी फिल्म स्क्रिप्ट लिखवाई थी. अब चूंकि वो फिल्म बन गई थी तो फिल्म को दुबे साहब ने डायरेक्ट किया. अच्छा, हाँ, ध्यान आ रहा है. वो और उस समय वो दिखाया था ना हिमालय, क्या नाम है दूसरी दुबे की फिल्म का? हाँ हाँ, विंध्याचल. विंध्याचल. विंध्याचल के नहीं, क्या था, अनुभवों के विंध्याचल, क्या कुछ ऐसे ही था ना नाम उस फिल्म का. हाँ. लेकर के गए थे कलकत्ता वो दोनों, देखे हुए थे. अच्छा, तो विजया का काम इंटरेस्टिंग लगा, सुलभा का लगा, और पर्ल पद्म सिंह यहाँ अच्छा काम करती है. अच्छा. अच्छा. और बंगाली के हमने ये नाटक देखे इनके, शंभु मित्र के और जितने भी नाटक मैंने देखे हैं बहुत इम्प्रेस हुआ. ही हिमसेल्फ एज एन एक्टर एंड एज ए डायरेक्टर बहुत मज़ा आया, और उससे बहुत प्रेरणा मिलती रही. यानी जिसे शब्द कहना चाहिए प्रेरणा वाला, वो सही ढंग से मुझे उनका काम, उनका खुद का काम किया हुआ, और उनके टोटल हैंडलिंग ऑफ दी प्लेस में वो मिला. बादल बाबू का देखा काम कुछ? बादल बाबू का मैंने काम नहीं देखा. देखा ही नहीं? नहीं. अरे अच्छा. उनके सिर्फ मैंने प्ले, वो जो यहाँ पे कंपटीशन के लिए प्ले लेके आए थे एक बार, पगला घोड़ा, तो किसका डायरेक्ट किया हुआ था कंपटीशन में? बादल बाबू. हाँ. नहीं, वो तो शंभू बाबू ने ही किया था.
कलकत्ता में जिसमें शंभू बाबू की लड़की काम कर रही थी, वो चार लड़कियों ने किया था रोल, तो शंभू बाबू का डायरेक्ट किया हुआ था। अच्छा, उनका था, शंभू बाबू का था। और मैं पता नहीं कि वो समा और दी अदर, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि वो प्ले मुझे इतना इंप्रेस नहीं कर पाया, नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि हमने हिंदी में किया हुआ था और मुझे एक बाहर के व्यक्ति की दृष्टि से मैं अपने प्ले को देख सकता था जैसे हमने किया था, तो हमारा फॉर्मेट और उसका बहुत ही अच्छे ढंग का था। अगला नहीं, माने अपने प्रोडक्शन से तुलना की जाए या न भी की जाए, एज एन इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन भी यदि हम लोग देखें तो उसमें चार लड़कियों को करने से, जैसे कि आधे अधूरे में भी जिन लोगों ने वो कैरेक्टर्स चार लोगों ने किया है वो कहीं खत्म हुआ पहली बार। दूसरे, शंभू बाबू ने उसमें अंडरलाइन किया फिजिकल प्रेम के एस्पेक्ट, वो ध्यान दिया होगा तुमने तो सेट में वो युगल्स कपल्स थे और मैथुन रथ कपल एक तरह से जुड़े हुए, और वो बार बार लड़की उस पर हाथ फेर करके पूछती थी कि यही पगला घोड़ा है क्या, यही पगला घोड़ा है, या वो सातु वाला सीन लक्ष्मी के साथ जो है वो बहुत फिजिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल पे था। तो उसके कारण हमको लगा कि ये नाटक का मजा ही यही है कि फिजिकल लेवल पर चीजें नहीं आती, ये मामूली सी चीज है। इस सारी चीज को ही दुबे साहब ने जिस लेवल पे लिया था पगला घोड़ा करते समय, हाँ, वो बात ही कुछ और थी। अच्छा, उसमें इस एस्पेक्ट को लेके ही नहीं आए, जो रिटर्न प्ले था उसी के भाव को उभारते रहे हर सीन में, हाँ, और एक ही लड़की के साथ तरला मेहता ने किया था। ये हम लोगों ने भी कलकत्ता में जो किया एक ही लड़की ने एक्ट किया और मूल नाटक की आत्मा जो थी उसी को प्रोजेक्ट किया था, उसी को इसमें नया इंटरप्रेट। इसीलिए हमको बहुत बार लगता है कि डायरेक्टर्स लोग जहाँ पर नया इंटरप्रिटेशन देने जाते हैं, यदि वो बहुत अच्छी तरह से नाटक के मर्म को समझ करके और उसको प्रोजेक्ट नहीं करने चलते हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, उस मर्म को समझ करके करें तब तो ये देखो वही नया इंटरप्रिटेशन, कहीं वो नाटक से बढ़ के निकल जाते हैं, हाँ, और खुद को प्रोजेक्ट करने, अपने आइडियाज को प्रोजेक्ट करने वाली बात आ जाती है। बादल बाबू के नाटकों के साथ नाटक बदल जाता है। कई बार ये हुआ, जैसे अब एवं इंद्रजीत में देशांतर वालों ने जो प्रोडक्शन किया उसमें बाद में इंद्रजीत का गला वो घोंट देता है। कविताएं तो बाद दे ही दी थी, बाद में मैंने उन्होंने ये किया कि राइटर और इंद्रजीत एक ही हैं। ठीक है, वो तो समझ में आ ही रहा है कि राइटर का प्रॉब्लम और इंद्रजीत का, इट इज क्रिएशन जो राइटर का है वो बहुत कुछ अपनी बात कह रहा है, मगर एकदम वो नहीं है स्थूल रूप में, और वो अंत में उसका गला घोंट देता है और कविताएं बाद दे दी हैं, तो वो अंतिम कविता कि इसीलिए तो इस पथ का मैं अंत नहीं पाता हूँ, नहीं कहीं आश्वास की यात्रा के पूरी होने पर कोई देवलेख सम्मुख होगा या किसने स्पर्श से अपने पथश्रम कोई दूर करेगा। तो ये जो कविता है पथश्रम कोई दूर करेगा और अंत में आकर के कि तीर्थ यही गंतव्य यही है, ये सारी बात ही खत्म हो जाती है। हाँ, उसका मीनिंग खत्म हो जाता है, मीनिंग खत्म हो जाता है, आप कहीं अधूरी बात कह करके आप छोड़ देते हो। तो हमको ये लगा कि माने हमको थोड़ा सा असंतोष रहा। एवं इंद्रजीत की बंगला वाली ओरिजिनल प्रस्तुति देखी थी, श्यामानंद की देखी, देशांतर। अच्छा, देखिए हमने एक नाटक में बहुत छोटी सी चेंज की थी, जैसे आधे अधूरे उसमें शुरू और अंत वाला, हाँ, शुरू में जो बोलता है वही अंत में, वही हमने अंत में बुलवा दिया। तो अच्छा, तो उस चेंज से क्या हुआ था कि उससे वो बात कहीं पूरे जो बीच में जो कुछ घटित हुआ था और वो शुरू का काले सूट वाला आदमी जैसे लगा कि पूरा नाटक एक में जुड़ गया है, हाँ, है? वो कह रहा है अपनी बात कह रहा है और वही बात है और एंड में वही बात कह दी उससे नाटक कहीं बने था, वो भी एडिशन था, मगर उस एडिशन से पर वो एडिशन इसी ढंग से की गई थी कि वो अलग नहीं दिखे, अलग अलग नहीं दिखे और नाटक इफेक्ट नहीं हो, ना, ना, और वो बात जो कह रहा था वही, और नाटक को कुछ फायदा ही हो, मान लो वो प्रूफ कर रहा है वही बात किसे, कोई प्रूफ कर रहा है। ये भी माइंड में आता है कि जो नाटककार उस वक्त नहीं समझ पाया वो देखने के बाद वो खुद भी एक दृष्टि से देखे कि हाँ ये मेरे नाटक को फिनिश कर दिया अच्छा अच्छे ढंग से। तो इस तरह से वो होने से तो देखो एक नया इंटरप्रिटेशन दुनिया में हर
कहीं भी नाट्य अलग अलग निर्देशक जब नाटक करते हैं तो मजा उसी का है, वही प्रोडक्शन श्रेष्ठ माना जाता है, उसका एसेंस नहीं जाना चाहिए, एसेंस नहीं जाना चाहिए, और वो जहाँ लोग करते हैं वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और बहुत बार करते हैं, दैट इज इमोरल, दैट इज इमोरल, अनएथिकल एंड इमोरल, क्योंकि नाटककार ने जो अपना नाटक लिखा है आप उसके व्यूज को प्रोजेक्ट ना करते हुए अपना शुरू कर दें करना, तो भाई क्या जरूरत है, आप अपना नाटक लिख लो ना, लिख लो, लिख करके कर लो, तो अपना लिखना आता नहीं है, उसके लिखे हुए उसको बिगाड़ना आता है, बिगाड़ना जो है ये प्रॉब्लम, वो एटीट्यूड कभी भी दुबे साहब ने नहीं रखा। दुबे साहब की हमेशा यही कोशिश रही है कि नाटक उसको चेंज करके इम्प्रूव किया हुआ ना दिखे तो करने का फायदा नहीं, अगर चेंजेस करनी है तो उस पर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तब वो चेंजेस काम की है, वरना और आधे अधूरे में भी उन्होंने जो दृष्टिकोण था वो औरत जो अपना रीजंस देती है तो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन कि ऐसा नहीं हुआ तो भी क्या, तो उसने चैलेंज किया लाइफ,